श्रद्धा मर्डर केस का खुलासा हुए 10 दिन से ज्यादा हो गए। आरोपी आफताब जो है वो 10 दिन से पुलिस की कस्टडी में है। ये दूसरा हफ्ता है कि इस केस की जांच चल रही है। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया है आज, जिसमें मशीनें लगाकर लाइट डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है और आरोपी के बयानों की सच्चाई पर की जाती है। लेकिन इससे पहले आप देखिए कि जिसने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए वो कितनी बेफिक्री में दिख रहा है। ये फोटो आप देख रहे हैं, ये आदमी मास्क लगाए हुए ऐसे खड़ा है, ये आफताब है। ये 2 दिन पहले की तस्वीर है जब पुलिस उसे रोहिणी की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लेकर गई। लैब से बाहर आते हुए आफताब एकदम बेफिक्र दिख रहा है, पुलिस वालों से बात कर रहा है, हाथ ऐसे करके बाहर निकल रहा है, इधर उधर देख रहा है, कौन देख रहा है नहीं देख रहा है, सर्दी सादी वर्दी में खड़े पुलिस वाले से बात करता है। ये आदमी आपको देख के लग रहा है कि ये टेंशन में है, तनाव में है, ये प्रेशर में है, देख के लग रहा है आपको? कैजुअल अंदाज में पुलिस वाले से बात कर रहा है, देखिए कैसे खड़ा है आराम से, जैसे नहीं होता कि कोई चचा उचा से बात कर रहा है, यहां गए थे पढ़ाई किए हैं अभी नौकरी का कुछ हुआ नहीं, उस टाइप से बात कर रहा है। कहीं से बॉडी लैंग्वेज से ये आदमी आपको लग रहा है कि इसने अपना जुर्म कबूल लिया है? 80% सबूत पुलिस को मिल गए होंगे। इस केस में 10 दिन की जांच में कई थ्योरीज आ चुकी और कई नई थ्योरी आती जा रही है। जैसे एक नई थ्योरी आई है श्रद्धा मर्डर केस की, इन थ्योरीज को सुनिए। श्रद्धा मर्डर केस, अब इसमें नई थ्योरी आई, नई थ्योरी। अब ये नई थ्योरी क्या कह रही है भाई? ये नई थ्योरी कह रही है कि आफताब ने 5 चाकू से श्रद्धा के शरीर को काटा, कि 5 चाकू था और उसने उससे आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े कर दिए। अरे भाई, पुलिस ने आफताब के फ्लैट से 5 बड़े चाकू बरामद कर लिए, ये कहा जा रहा है। ये चाकू किचन में रखे हुए थे जो बेहद शार्प है, इनकी लंबाई 5 से 6 इंच। आफताब के फ्लैट से बरामद किए गए चाकुओं को जांच के लिए भेज दिया गया। अब फॉरेंसिक टीम ही बता पाएगी कि क्या इन चाकुओं का इस्तेमाल आफताब ने श्रद्धा की बॉडी को काटने के लिए किया या नहीं किया। लेकिन ये जो जांच चल रही है, जरा इसका आप नार्को टेस्ट कीजिए, ये कितनी सही दिशा में जा रही है, सही बातें निकल कर आ रही हैं या नहीं आ रही। आप खुद सोचिए कि जिस हथियार से श्रद्धा के शव के टुकड़े किए गए वो 10 दिन में अभी मिल नहीं पाया और कहा जा रहा 80% केस सॉल्व हो गया। अच्छा, इतना ही नहीं, अभी तक कहा जा रहा था कि आफताब एक आरी खरीद के लाया, उससे 2 दिन काटता रहा बॉडी को, उसका सिर फ्रिज में रख दिया, ऐसी ऐसी थ्योरीज निकल कर आ रही थी। अब अचानक 10 दिन बाद 5 चाकू की एंट्री हो गई है कि उसने एक नहीं कई हथियारों से श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े किए। तो जिसके पास 5 चाकू थे वो आरी क्यों खरीद के लाया? आरी से काटा तो 5 चाकू की थ्योरी कहां से आई? यानी जो थ्योरीज आ रही हैं वो मैच नहीं हो रही एक के साथ एक। जांच से जुड़ी एक और थ्योरी है कि 80% थ्योरी नंबर 2, 80% जांच पूरी हो गई। 80% जांच तो तभी पूरी होगी ना भाई जब आपको सबूत मिल गए। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ये कह चुकी कि 80% जांच पूरी कर ली गई। ये कैसी 80% जांच पूरी है बॉस, जिसमें अभी पहले आरी से काटा, 5 चाकू से काटने की बात हो रही है, और 80% जांच पूरी हो गई है तो कोई ये बताए कि अगर जांच पूरी हो गई तो ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है, ये जो नार्को होना है, ये किस बात के लिए हो रहा है? पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट ये दोनों कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होते, और अगर 80% जांच हो गई है तो इसका मतलब आपको सब पता है, सब कुछ सामने आ गया, तो फिर क्या निकाल रहे हैं पॉलीग्राफ टेस्ट में? दिल्ली के रोहिणी में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट का 2रा सेशन शुरू हो चुका है। बुधवार को यह सेशन नहीं हो पाया था क्योंकि आफताब की तबीयत ठीक नहीं थी। आफताब को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कल भी बुलाया जा सकता है और 2 दिन में इसकी रिपोर्ट आएगी कि झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो 80% अगर जांच पूरी हो गई तो अभी झूठी और सच चेक कर रहे हो आप, और इसके बाद नार्को टेस्ट भी करोगे जो सोमवार को होना है। इसका मतलब 80% जांच की बात में डाउट क्रिएट हो रहा है लोगों के मन में। जांच की एक और थ्योरी है सीसीटीवी फुटेज, कि वो दिख गया उस दिन जो है 18 तारीख को सीसीटीवी फुटेज
कि रात में बैग टांग के ले जा रहा है। ये वाला फुटेज है, कैमरा वन 18 अक्टूबर का वीडियो बताया जा रहा है। अब आफताब केस में ये जो सीसीटीवी फुटेज है इससे पुलिस करेगी बहुत बड़ा सबूत। सुबह 4 बजे का है और एक बैग ले जाते वो दिख रहा है। जांच करने वालों को शक है कि आफताब श्रद्धा के शव के बचे हुए टुकड़े फेंकने गया था, लेकिन सवाल यह है कि श्रद्धा की हत्या को 18 मई को हुई, वो अक्टूबर तक उसके शव के टुकड़े क्यों रखेगा? 18 मई से 18 अक्टूबर तक वो शव के टुकड़े ही फेंक रहा था, 6 महीने तक फेंक ही रहा है। और ये तो वो टाइम था, और इस बॉक्स में देखिए, बॉक्स देख के लग रहा है कि किसी का शव लेकर जाया जा रहा है। तो एक फुटेज मिल गई है और उसको ऐसा बताया जा रहा है जिसे सबसे बड़ा सबूत मिल गया। अच्छा, एक थ्योरी ये भी चल रही है कि डायरी में लिखता था कि कहां पर बॉडी के पार्ट्स फेंके, तो एक आदमी बॉडी के पार्ट फेंक रहा है क्योंकि वो अपनी गुनाह को छुपाना चाहता है, और दूसरी तरफ वो डायरी में लिख के रख रहा है कि कहां कहां फेंका हूं, क्यों कल को उसको बुक लिखनी है कि मैं कहां कहां फेंका। और अगर डायरी में लिखा ही है कि कहां कहां फेंका, तो पुलिस उसको लेकर ढूंढ क्या रही है? फिर सीधा लेके जाए और डायरी में पढ़े, जाके ढूंढ ले। बॉस, इतनी चीजें निकल कर आ रही हैं जिसमें प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि कैसी 80% जांच हुई। मुंबई में पुलिस जो है वो समुद्र में फोन तलाश रही है। आज फुटेज आया कि समुद्र में जाके फोन तलाश रही है। समुद्र में फोन मिलेगा और इनकी 80% जांच पूरी हो गई। ये देखिए, ये फुटेज है, समुद्र में फोन तलाश रहे। बॉस, अभी भी जितनी डिटेल आ रही है उससे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी थ्योरी सही है, नहीं है, कौन सी कहानी है, क्या है। पुलिस सच में 80% जांच कर पाई है, नहीं कर पाई है? आप सच बोल रहा है, घुमा रहा है? अभी बहुत इस केस में सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। हर बात पर यकीन करके मत बैठिए कि जांच जो है वो एकदम कंप्लीट ही हो गई और सब सामने आ गया।